नमस्कार बंधु, आज का वीडियो में बात करेंगे तो फूलगोभी में जितना सारे कीड़ा लगते हैं उसका बारे में। देखा जाता है बरसात का अंत में या रबी का जो फास्ट सीजन है, आर्ली रबी जिसको बोला जाता है, इस समय जितना फूलगोभी का खेती होता है इसमें ज़्यादातर कीड़ा का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। रबी में जो होता है उसमें उतना नहीं होता है, लेकिन आर्ली रबी में जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा अटैक होता है। 6 से 8 प्रकार कीड़ा इसमें अटैक करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है ये 3 कीड़ा का बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायमंड ब्लैक मथ कीड़ा का बारे में। डायमंड ब्लैक मथ कीड़ा, इनका 2 स्टेज हम लोग आँख में देख पाते हैं फूलगोभी में। ये डायमंड ब्लैक मथ का जो पूर्णांग रूप है, ये कीड़ा उड़ते हैं, इसका पतंग डायमंड कलर का होता है, बीच बीच में ब्लैक ब्लैक छोप छोप दाग रहता है, और इसका जो पैर होता है, लेग्स जो होता है, ये छोटा छोटा होता है और ज़्यादातर रात का समय में इसको देखने के लिए मिलता है। ये पत्ता को खाते हैं। इसका जो लार्वा है, जो इसका लार्वा है, ये देखने के लिए हरा कलर का होता है और ये ज़्यादातर पौधा को क्षति पहुंचाते हैं। ये पत्ता को कूर के खाते हैं, ताना को कूर के खाते हैं और फूल को भी खाते हैं। तो ये 3 स्टेज को खाते हैं और फूलगोभी में बहुत सारी क्षति पहुंचाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है ये कीड़ा 80% तक फूलगोभी का लॉस पहुंचाते हैं। तो इसको कंट्रोल का उपाय आप देखेंगे, ये कीड़ा का आप देख गया है, कीड़ा दिख रहे हैं कि आपका फसल में आ गया है, तो इस समय आप नीम तेल स्प्रे कर सकते हैं। नीम बीज को एक्सट्रैक्ट करके जो तेल निकालते हैं, इसको आप स्प्रे करते हैं 2 मिलीलीटर पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो इसको कंट्रोल होने का चांस रहता है। इसमें कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप क्विनाइल फॉस स्प्रे करिए। क्विनाइल फॉस को आप स्प्रे करेंगे 500 ml एकड़ में, तो इसमें भी आपका कंट्रोल हो जाता है। इसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप क्लोरोपाइरीफॉस स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ का अंदर आप कोई ना कोई एक चीज़ों में कंट्रोल हो जाएगा, और मेनली बाद में बात करता हूँ इसका प्रॉपरली मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए उसका बारे में। और एक कीड़ा है एफिड्स। एफिड्स जो होता है ये धूसर कलर का देखने के लिए होता है या हरा कलर का छोटा छोटा रंग का होता है। ये ज़्यादातर पूरा ताना को भर के रहते हैं या पत्ता को पूरा भर जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसका जो प्रकाश संश्लेषण है पौधा का, वो प्रकाश संश्लेषण बंद कर देते हैं और जिसका वजह से पौधा का ग्रोथ सही से नहीं होता है और प्रोडक्शन में अंतर रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, ये कीड़ा आपको देख गया है तो स्पीड में आप सिर्फ सफ़ेद पानी इसमें स्प्रे कर देंगे तो इसी में से ये कीड़ा हट जाएगा। इसमें ज़्यादातर केमिकल देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देख रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप छोटा कोई केमिकल जैसे कि नीम तेल हो सकता है, आप स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला जो फूल को खाते हैं एक कीड़ा, जिसको इल्ली कीड़ा बोलते हैं, फूलगोभी में ज़्यादातर देखा जाता है, तो ये इल्ली कीड़ा भी फसल को बहुत नष्ट करते हैं। तो ये जो कीड़ा है, इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए, ये देखने के लिए कैसे होता है वो थोड़ा जानकारी लेना ज़रूरी है। ये इल्ली आप तो देखे होंगे, इल्ली जैसे होता है और बीच बीच में इसका दाग रहता है, पिक्चर में जैसे देख रहे हैं इसी टाइप का होता है। ये ज़्यादातर फूल को खाते हैं, फूल को नष्ट करते हैं और किसान बंधु लोगों का फसल को नष्ट करते हैं। इस कीड़ा को कंट्रोल करने के लिए आप क्विनाइल फॉस जैसे बता रहे थे उसको स्प्रे कर सकते हैं, आप क्लोरोपाइरीफॉस भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं तो इसमें कंट्रोल होने का चांस रहेगा। ज़्यादातर ये बोला जाता है कि आपको इसको प्रॉपरली मैनेजमेंट चाहिए। ये 3 कीड़ा बेसिकली फूलगोभी में ज़्यादातर क्षति पहुंचाते हैं, तो बाकी कीड़ा इसको कंट्रोल करेंगे तो बाकी कीड़ा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, ये बोलते हैं कि फूलगोभी जब आप लगा रहे हैं इसका साथ साथ सरसों का ट्रैप क्रॉप हिसाब से लगा देंगे तो ये कीड़ा का अटैक कम होता है। ज़्यादातर बोला जाता है कि आप 25 लाइन आपका फूलगोभी है तो उसके बाद एक लाइन आप सरसों का लाइन दे दीजिए। आप बॉर्डर हिसाब से भी सरसों को दे सकते हैं, काफ़ी किसान बंधु इसको देते हैं, इसका अच्छा इफेक्ट भी होता है। और नहीं तो आपका जो नर्सरी जिस समय आप उगाए हैं फूलगोभी का, उस समय भी आपको नीम तेल स्प्रे करना होगा, नीम तेल स्प्रे करना होगा, नहीं तो उसको नीम खोल या पुराडन देके मिट्टी को उपचार कर लेंगे तो उसमें से भी ये कीड़ा कंट्रोल होने का मतलब असर देखते हैं इधर आके। बेसिकली मिट्टी को सोलराइजेशन कर लेना चाहिए, इसका बेसिस पे भी इसका कंट्रोल होता है। और शुरुआत का स्तर में जब आप पौधा रोप दिए हैं मेनलैंड में,
इसी समय में आप स्प्रे करके जाएंगे, जैसे कि नीम तेल 8 से 10 दिन का अंदर आप एक बार स्प्रे करेंगे और 7 दिन का अंतराल में और एक बार स्प्रे कर देंगे, तो ये ज़्यादातर ये सब कीड़ा आता नहीं है। और बेसिकली क्या है, जब आप कीड़ा दिख गए हैं आपका फसल में, तब जैसे बोला गया है उसका बेसिस पे आप स्प्रे करिए। तो फूलगोभी का जो तीन कीड़ा जो सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, इसको लेके वीडियो यहीं तक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, और आपको कुछ और जानकारी चाहिए, आपका दूसरा ओपिनियन है, तो ज़रूर इसको कमेंट करिए। और ये जो कीड़ा मैं बोल रहा हूँ, इस कीड़ा आपका लोकेशन पे क्या नाम बोलते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अच्छा होगा, आगे वीडियो बनाने के लिए सुविधा होगा और समझने के लिए सुविधा होगा। और आप इस चैनल में नया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, और उसका जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय किसान, जय भारत।